स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, जिससे हम आप तक और अच्छी वीडियोस बनाकर ला सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास वन के हमारे 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और आज हम क्लास 2 के सारे पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। तो क्लास 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। हिंदी में हम विशेष्य और विशेषण कवर करने वाले हैं, विज्ञान में ध्वनि व तरंग, गणित में एज पर बेस्ड क्वेश्चंस, और सामान्य अध्ययन में यूपी, और रीजनिंग में दिशा और प्रतिबिंब। तो ये टॉपिक्स हमारे आज की क्लास के हैं। और आज इस क्लास में मैं साइंस का टॉपिक जो ध्वनि और तरंग है वो दोनों कवर कर रही हूँ। तो बेसिकली साउंड होता क्या है, तो ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कि श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद रखने के पर्पज़ से याद रखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो ध्वनि है, ध्वनि में धा आता है और अनुदैर्ध्य में भी क्या आता है, धा आता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य में धा आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ध्वनि है उसकी जो चाल होती है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण कर रही है, गमन कर रही है, तो उसकी जो चाल है वो बदलती जाती है। अगर हम बात करें ठोस की, ठोस में जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम होती है। अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में थोड़ा कम होती है, और गैस की अगर हम बात करें तो गैस में इसकी चाल जो होती है वो मिनिमम होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर आप बात करें जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोई दे दिया, जैसे आपको ठोस वस्तु दे दी कि इस्पात में ज़्यादा होगी ध्वनि की चाल, या द्रव में ज़्यादा होगी या गैस में ज़्यादा होगी, तो आप इजीली आप टिक कर सकते हैं कि ध्वनि की चाल किस में होगी, ठोस में ज़्यादा होगी। और ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल जो होती है वो वायु की अपेक्षा स्टील में उसका जो गति होती है वो 15 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमने ध्वनि के बारे में बात करी। इसके अतिरिक्त जो ध्वनि की चाल होती है वो एक तो टेम्परेचर पर यानी तापमान पर, और दूसरा आर्द्रता पर निर्भर करती है। वायु की जो आर्द्रता होती है उस पर निर्भर करती है, अर्थात अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो चाल होती है ध्वनि की चाल, वो चूंकि टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या होगी जो ध्वनि की चाल है वो क्या होगी, चाल मैक्सिमम होगी। इसीलिए क्या होता है कि जो गर्मियों में हमें जो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठंडे दिनों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन हमें 2 मिल गए हैं, कौन कौन से, कि जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, यानी कि आर्द्रता के। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता के, जो वायु को ग्रहण करने की जो आर्द्रता को ग्रहण करने की वायु की क्षमता होती है उसको आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ध्वनि की चाल शुष्क वायु में धीमी और आर्द्र वायु में तीव्र। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होगी, शुष्क वायु में, आर्द्र वायु में, या सिंपल वायु दे सकता है, तो आप वहाँ लगा सकते हैं टिक डायरेक्टली। अगर आपको ये रिलेशन पता है कि ध्वनि की चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तापमान के और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि वायु की आर्द्रता के, तो आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो होगी वो शुष्क वायु में, चूंकि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो धीमी होगी, और आर्द्र वायु में उसकी तीव्र गति होगी। ध्वनि की चाल जो होती है अगर हम बात करें प्रेशर यानी दाब, दाब से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त वायु या गैस जो भी माध्यम है, 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो वायु और गैस में जो ध्वनि की चाल होती है या ध्वनि का जो संचरण होता है वो केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि जो ध्वनि का संचरण है वो गैसेज में कैसा होगा, वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होगा या अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होगा। जबकि जो ध्वनि का
संचरण है वो ठोस और द्रव में, यानी कि सॉलिड और लिक्विड मीडियम में क्या होता है, अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य भी होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो ध्वनि का संचरण है वो गैसेस में क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है, और ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करती है, गमन करती है, तो उसका केवल तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसकी चाल प्रभावित होती है। क्या प्रभावित नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सा जो फैक्टर है वो प्रभावित नहीं होता अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करे। तो कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं होता, वो है आवृत्ति, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते समय ध्वनि की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। केवल जो प्रभावित होते हैं वो होता है तरंग दैर्ध्य और उसकी चाल। यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं तरंग दैर्ध्य होता क्या है। तरंग दैर्ध्य तरंग द्वारा एक चक्कर में पूर्ण की गई दूरी होती है। तरंग दैर्ध्य में आप दो श्रृंग और दो गर्त, आप हमेशा दो श्रृंग देखेंगे क्योंकि एक चक्कर में चली गई पूरी दूरी है, तो इसमें दो श्रृंग होते हैं। श्रृंग वो एरिया है जहाँ पर ध्वनि जो होता है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है, जो आयाम होता है, ये क्या है तो ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये क्या है एम्पलीट्यूड, उसके द्वारा तय की गई जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है, ठीक है। और दो श्रृंग और दो गर्त आपको मिलेंगे तरंग दैर्ध्य में, ठीक है। तो ये हमने ध्वनि के बारे में मेन। इसके अलावा जो ध्वनि का जो मात्रक होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन आता है कि जो मात्रक है वो डेसिबल होता है ध्वनि का, और WHO के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा जो कानों को प्रिय ध्वनि होती है, मतलब जिस जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती और हम ईजिली सुन पाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर अफेक्ट नहीं डालती, वो ध्वनि जो होती है वो 45 डेसिबल होती है। अगर ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक है तो वो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यदि यह ध्वनि 85 डेसिबल है तब इंसान के बहरा होने का खतरा है, यानी कि वो बहरा हो सकता है, और यदि यही ध्वनि 150 डेसिबल से ज़्यादा है तो उसे पागलपन तक हो सकता है। तो आप ये लगा सकते हैं कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो ध्वनि है, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो नॉइज़ पोल्यूशन, इसकी वजह से पूरे मतलब लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बैड अफेक्ट डालता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक और फिनोमिना होता है, वो है इको, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि की अगर बात करें तो प्रतिध्वनि हमेशा प्रतिध्वनि के लिए आपको एक सॉलिड सरफेस की आवश्यकता है। जैसे अगर हम चट्टान के पास जाएं और वहाँ जाकर अगर हम ताली बजाते हैं या फिर बहुत ज़ोर से अगर हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो क्या होता है कि जो मूल ध्वनि होती है और जो परावर्तित ध्वनि है जो कि उस अवरोधक से टकराकर वापस सोर्स के पास आ रही है, तो उनके बीच का जो समयांतराल है वो 0.1 सेकंड होता है, यानी कि मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना है वो 0.1 सेकंड तक रहती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच जो समय अंतराल है वो 0.1 सेकंड का होता है। और इको के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इको के लिए आपकी जो भी आपका अवरोधक है वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। वो जो सरफेस है वो सॉलिड होना चाहिए। और एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि अगर आपको इको मतलब इको चाहिए या फिर इको प्रॉब्लम अगर कहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक जैसे यहाँ से मूल ध्वनि निकली और यहाँ तक पहुँची ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 16.5 मीटर या फिर आप अगर राउंड फिगर में लेते हैं तो 17 मीटर तक होनी चाहिए। उस अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तभी आपको इको सुनाई देगा, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगर हम बात करें ध्वनि की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की यानी लक्षण की, तो जैसे तीव्रता है, तो ध्वनि की एक तो होती है तीव्रता और एक होता है तारत्व यानी कि पिच, ठीक है। तो जो तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है आयाम के, आवृत्ति के, और जो सोर्स और ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रिलेशन एक हमें दिमाग में रखना है कि जो तीव्रता है ध्वनि की
वो आयाम पर और आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई बड़ा सा घंटा ले लेते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी तीव्रता होगी, और अगर हम उसमें साउंड करते हैं, उस पर कुछ मारते हैं, तो उसकी साउंड जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उसकी जो तीव्रता होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा आयाम होगा उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। दूसरी अगर हम बात करें पिच की, यानी कि तारत्व की, तो तारत्व का मतलब क्या होता है कि ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना, ठीक है। कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं और बच्चों की जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, वो थोड़ी तीक्ष्ण होती है अगर हम कंपेयर करें पुरुषों की तुलना में, तो उसको हम पिच बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि की आवृत्ति है और जो तारत्व है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं, ठीक। ये दोनों आपके हो गए, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब ध्वनि के, एक तो तीव्रता और तारत्व। अब हम बात करते हैं तरंग की। तो तरंग जो है वो तरंग को जो माध्यम में जो कण संचरण करते हैं उनके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की, यानी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी मीडियम की, यानी कोई भी भौतिक मीडियम की उनको आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगों को आप अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ये जो हम विभाजन कर रहे हैं, ये जो विभाजन है वो माध्यम के जो कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उनके बेसिस पर है। अब अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है कौन सी नहीं है। आपसे पूछ लिया जाएगा जल तरंग कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है अनुदैर्ध्य, या ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगें होती हैं, होती दोनों यांत्रिक हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे यांत्रिक हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंग जो है उनको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में विभाजित किया गया है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं, सपोज ये आपका तरंग संचरण कर रही है, ठीक है, तो जो माध्यम के कण हैं वो क्या करते हैं, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यानी कि वो माध्यम के कणों का जो कंपन होगा वो कैसा होगा, लंबवत होगा। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में जो तरंग संचरण अगर ऐसे है, इस दिशा में है, तो जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। जनरली हम क्या गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक सिंगल लाइन में पूछ लिया जाता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के संचरण के कैसे लंबवत कर रहे हैं, समानांतर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं अनुदैर्ध्य का, हम ज़्यादातर क्या मानते हैं कि लंबवत है, अनुदैर्ध्य का हम ये सोचते हैं कि लंबवत होगा, जबकि होता नहीं है। अनुदैर्ध्य में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, ना कि लंबवत। इसका एक अगर हम एग्जांपल लें अनुप्रस्थ तरंग का, जैसे कि जल तरंग है, आप जल में अगर आप पत्थर मारो तो उसमें क्या है, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। या फिर आप एक सिरे से रस्सी को पकड़ लो और उसको हिलाओ तो उसमें जो तरंग है, ये भी एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन की, वो कौन सी तरंग है, वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर कोई स्प्रिंग है और उसके नीचे आप बाट लगा दो, ठीक है, बाट टांग दो, तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वो क्या होगी, उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वो होगी अनुदैर्ध्य तरंग। ये यांत्रिक तरंगों का विभाजन हुआ माध्यम के कणों के संचरण के आधार पर। एक और तरंग का विभाजन होता है, वो होता है श्रव्यता के आधार पर, श्रव्यता की सीमा के आधार पर। तो इसमें जो सीमा विभाजन किया गया है वो तीन में बांटा गया है, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों को ऑडिबल वेव्स भी बोलते हैं, अवश्रव्य को इंफ्रासोनिक, पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक। श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको हम अपनी कानों से सुन पाते हैं। उनकी जो रेंज होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि उनकी रेंज कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंज आपको याद रखनी है, वो होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, और इसके नीचे और इस लिमिट के ऊपर आप मनुष्य सुन नहीं सकता। अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव्स, ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये वो हैं जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की
जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे भूकंप अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं जो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे ये व्हेल है, हाथी है, गैंडा है, तो वो अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो उनको पहले से ही पता लग जाता है कि ऐसी कोई कैलामाइटी आने वाली है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया अवश्रव्य तरंग का। पराश्रव्य तरंगे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और पराश्रव्य तरंगे कौन उत्पन्न करता है? डॉल्फिन और चमगादड़। ये भी आपसे पूछा जाता है कि डॉल्फिन किस प्रकार की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न करती है, तो पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स वो उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य वेव्स की एप्लीकेशंस यानी उसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सोनार में आपकी कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, तो सोनार है यानी नेविगेशन सिस्टम का एग्जांपल है, वहाँ पर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। या फिर आपका मेडिकल केयर में आपका जो ECG वगैरह हम कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, चित्र लेता है, वो है मेडिकल केयर में। बहुत सारी जगह है जैसे किडनी जो स्टोन्स होते हैं, किडनी में स्टोन्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, तो मेडिकल केयर में यह हो गया। इसके अतिरिक्त डोमेस्टिक केयर में यानी घरेलू पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं एज अ वैक्यूम क्लीनर, और एज अ वैक्यूम क्लीनर हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हम जैसे चिमनी वगैरह जो होती है औद्योगिक सेक्टर में, उसकी जो कालिक होती है उसको साफ़ करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन सी वेव्स का यूज़ होता है। अब हम बात कर एक और चीज़, जैसे लोलक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें लोलक के बारे में पूछा जाता है। आपको पता है पहले से कि एक फॉर्मूला होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं 12th से, कि T=2π√L/g। इसका मतलब जो टी क्या है, आवर्तकाल, एल लंबाई, जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रपोर्शनल है लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोलक होता है, लोलक की जो लंबाई होती है अगर वो बढ़ती है, गर्मियों में क्या होता है जनरली हमारे जो तार वगैरह होते हैं वो उनकी जो लंबाई है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो लंबाई है वो बढ़ती है। लंबाई बढ़ने की वजह से डायरेक्टली किस पर अफेक्ट पड़ता है? आवर्तकाल पर। आवर्तकाल भी बढ़ेगा अगर लंबाई बढ़ रही है, और अगर आवर्तकाल किसी भी लोलक का अगर आवर्तकाल बढ़ रहा है, सपोज ये है आपका, ठीक है, ये लोलक है और इसका अगर आवर्तकाल नॉर्मल जो था वो ये था, और अगर इसकी लंबाई बढ़ गई तो इसका आवर्तकाल बढ़ गया। अगर इसका आवर्तकाल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो सुस्त हो जाएगी। इसलिए गर्मियों में क्या होता है, लोलक वाली घड़ियाँ होती हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं, जबकि सर्दियों में जस्ट ऑपोजिट होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने की थी, और विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो परास होता है यानी कि जो उनका लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो वेरी करता है 10^-14 से 10^4 मीटर तक। ये इनका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का परास होता है, और इसी स्पेक्ट्रम के अंदर यानी इसी परास के अंदर सारे ही स्पेक्ट्रम यानी कि कौन कौन से, गामा रेज जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आती हैं, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ये सभी पार्ट होती हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग में से आते हैं, और हम सारे ही क्वेश्चंस को आपको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गामा रेज की। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गामा किरणों पर कोई चार्ज होता है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता, इन पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा, इसमें जो एक क्वेश्चन और आता है, इसमें दो क्वेश्चन होगा, एक आता है कि ऐसी कौन सी किरणें हैं जिनमें उच्चतम ऊर्जा पाई जाती है, तो वो किरणें कौन सी हैं, वो हैं गामा किरणें। गामा किरणों की जो ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, और गामा किरणें नाभिकीय क्रियाओं व कृत्रिम रेडियो एक्टिविता
उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको एक मतलब रफली पता होना चाहिए कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो नाभिकीय क्रियाओं में और कृत्रिम रेडियो एक्टिविता को उत्पन्न करने में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल रेज होती हैं वो यही किरणें होती हैं, गामा किरणें। ये मानव के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती हैं। एक जो और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट पूछा जाता है वो ये, इनमें इन जितना ये विद्युत स्पेक्ट्रम है इन सब में यही पूछा जाता है कि इनकी परास कितनी है, इनका लैम्डा कितना है, मतलब वो तरंग दैर्ध्य, इनकी खोज किसने की थी, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। यही तीन चार पॉइंट्स हैं जो इसमें पूछे जाते हैं और वही हमने कवर किए हैं। खोज इनकी बैकुरल ने की थी, बैकुरल ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रेंज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे पहले बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो परास है वो स्टार्ट होती है 10^-14 से और जाती कहाँ तक है, 10^4 meters तक। तो जो 10^-14 है यहीं से शुरू होती हैं गामा किरणों की परास, यानी कि इसकी जो परास हुई वो हुई 10^-14 से, 4 का डिफरेंस होता है 10^-10 meters। तो यहाँ पर ही आप इसको याद रख लीजिए, 4 का डिफरेंस है 10^-14 से 10^-10 meters। और इनकी वेधता जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये लोहे की चादर को भी आर पार भेज सकती हैं, इतनी इनकी वेधन क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरेज की, ये अभी हम याद कर लेंगे कैसे इनको याद रखना है। एक्सरेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर ख़त्म हुई आपकी गामा रेज, इसकी परास हुई 10^-10 पर ख़त्म। 10^-10 से 10^-8 यानी इसकी जो परास होती है, 2 का डिफरेंस है, याद रखिए पहले था 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस है 10^-8 से 10^-8 meters, मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जैसे गामा किरणें हैं, इनकी खोज, जैसे गामा क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो गामा क्या है, बेकार हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गामा किरणों की खोज बेकार है, मतलब बैकुरल ने की थी। एक्सरेज की अगर हम बात करें, एक्सरेज बहुत मतलब इसको याद इजीली आप कर सकते हैं, रोंजन, ये सबको पता है, रोंजन ने इनका आविष्कार किया था, खोज की थी, और रोंजन इनको इसी वजह से रोंजन रेज बोलते हैं, रोंजन किरणें बोलते हैं। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको पता है एक्सरे, जब भी कोई हड्डी वगैरह ब्रेक हो जाती है, ठीक है, बोन ब्रेक हो जाती है, तब हम एक्सरे करवाते हैं। इसके अलावा फेफड़े के जो डिसीज़ होती हैं, रोग होते हैं, उनका हम एक्सरे करवाते हैं, तो उससे पता लगता है। इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी होती है, क्रिस्टल की अगर संरचना का पता लगाना हो तब भी हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तीसरे स्पेक्ट्रम में जो तीसरे नंबर पर आते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, वो होती हैं पराबैंगनी किरणें, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये कहाँ से, ये आपको पता है, ये होती हैं सूर्य से उत्पन्न, जो सूर्य से उत्पन्न जो हानिकारक रेज होती हैं वो होती हैं पराबैंगनी किरणें, जो कि मानव स्वास्थ्य पर स्किन कैंसर वगैरह के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनकी खोज किसने की थी, ये आप याद रखिएगा, इनकी खोज की थी रिटर ने। ये भी पूछा जाता है कि इन किरणों की खोज किसने की थी, तो गामा के हो गए बैकुरल, एक्सरेज के हो गए रोंजन, पराबैंगनी के हो गए रिटर। इन किरणों द्वारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो विद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है वो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं, तो वो करती हैं पराबैंगनी किरणें, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता है यूवी रेज की वजह से। इनकी रेंज आप देखो, इसमें 1 का डिफरेंस है, यानी कि 10^-8 से 10^-7 meters, 4, 2 और 1, यानी -14 से -10, -10 से -8, -8 से -7, 3 हो गया है। इसके अलावा इसका प्रयोग क्या है, यूवी रेज को आप जैसे फिंगरप्रिंटिंग है, फिंगरप्रिंट अगर किसी को पहचान करनी हो, फिंगरप्रिंट में किसी रोगी की सिकाई करनी हो, उसमें फूड को प्रिजर्व करना हो, खाद्य संरक्षण में हम इसका यूज़ करते हैं, अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे आरओ वगैरह हम सबके घरों में लगे होते हैं, तो उसमें भी हम यूवी का सिस्टम पूरा लगाते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो इनके आपको प्रयोग पता चल गए। अब चौथे नंबर पर हम आते हैं, अच्छा ये हार्मफुल भी होती है, ये भी आपको पता है क्योंकि स्किन कैंसर वगैरह ये करती हैं, मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ये डालती हैं।
चौथे नंबर पर आता है विद्युत स्पेक्ट्रम में, वो होता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। इसको प्रकाश बोला है, इसको किरण नहीं बोला, क्योंकि यही एक पूरे स्पेक्ट्रम में एक ऐसा पार्ट है जो कि विजिबल है, मनुष्य की आंखों को दिखाई देता है, और कोई जितनी भी रेज है वो दिखाई नहीं देती, केवल यही दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। इसके अंतर्गत आपका विबक्योर आता है, जो आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज और रेड। ठीक, इसके इसकी जो खोज की थी ये भी पूछा जाता है, खोज जो है इसकी न्यूटन ने की थी। इसके अतिरिक्त इसके जो गुण हैं, आपको पता है फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये सारे ही ध्रुवण हैं, ये सारे ही जो फिनोमिना है वो अकर होते हैं किस में, दृश्य प्रकाश में, यानी कि विजिबल लाइट में। ये सारे हो गए आपके चार प्रकार। अब हम बात करते हैं अवरक्त की, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। इनकी जो खोज की थी वो करी थी हर्शेल ने। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे देख सकते हैं कि अवरक्त है हर्शेल पर, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो अवरक्त है हर्शेल पर, तो हर्शेल आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, एक इसकी और एक है आपकी यूवी रेज की। यूवी रेज की कितनी आप, मैंने बताया आपको 10^-8 से 10^-7 मीटर, और विजिबल जो लाइट है उसकी भी रेंज पूछी जाती है, जो कि होती है आप यहाँ देख सकते हैं कि 3.9 × 10^-7 से 7.8 × 10^-7, यानी 4 का डिफरेंस स्टार्टिंग में, 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ आप नंबर में डिफरेंस चल रहा है 3.9 से 7.8। अब अवरक्त की हम रेंज की बात करें तो 7.8 जहाँ उसकी ख़त्म हुई है वहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है, 7.8 × 10^-7 से 10^-3, फिर से 4 का डिफरेंस आ गया है। ठीक, ऊष्मा का संचरण, अवरक्त रेज जो होते हैं इनको हम इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, जब भी हम किसी चीज़ पर मतलब इंफ्रारेड रेज डालते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण उस पदार्थ में से होने लगता है, और वो जो जो भी पदार्थ है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। उसको हम इसीलिए इसको जो अवरक्त रेज हैं उनको हम ऊष्मीय विकिरण भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो लाल रंग होता है, हमको सबको पता है कि जो लाल रंग होता है वो सिग्नल्स वगैरह में, इंजन्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अवरक्त रेज का प्रकीर्णन लाल रंग से भी कम होता है। इसी वजह से जो जैसे युद्ध के दौरान धुंध, जैसे कोहरा वगैरह होता है या धुंध होती है, तो उस टाइम पर युद्ध के दौरान सीमा पर वहाँ पर हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रकीर्णन जो है वो रेड कलर से यानी लाल रंग से भी क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया, जो बिखराव है, ठीक है, वो उससे भी कम बिखरती हैं, इस वजह से हम अवरक्त किरणों का यूज़ करते हैं। इनका जो प्रयोग है, अगर हम बात करें इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे चूंकि ये ऊष्मीय विकिरण कहलाती हैं, तो जिस ग्रीन हाउस जो हमारा इफ़ेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो पौधों को गर्म रखने के लिए, क्योंकि उसको वो ग्लासेस में बंद होते हैं पौधे, उनको ऊर्जा तो मिलती नहीं है, ऊष्मा मिलती नहीं है, ताप मिलता नहीं है सूर्य का डायरेक्ट, तो इसलिए हम कहाँ पौधों को गर्म रखने में हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। युद्ध में मैंने आपको पहले बताया, रिमोट में जो टीवी रिमोट वगैरह होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, अवरक्त रेज का यूज होता है। छठे, अगर हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो है सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव, इनको इंग्लिश रूपांतरण इनका जो है वो है माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स आपको पता है, माइक्रोवेव्स जो फ्रीक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव में ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी में यूज़ होती हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो भी हर्ट्स है। तो हेनरिक हर्ट्स ने इनकी क्या करी थी, खोज की थी, और इसी वजह से इनको हर्ट्जियन तरंग बोलते हैं। इनको लघु रेडियो तरंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो परास होता है वो होता है 10^-3 से, देखिए यहाँ से इसकी ख़त्म हुई है, 10^-3 से इसकी स्टार्ट हुई 1 मीटर तक, इसका जो परास होता है वो 10^-3 से 1 मीटर तक होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म तरंग होती हैं, माइक्रोवेव्स जो होती हैं, इनको हम जैसे जो भी आपका रडार प्रणाली है विमान के संचालन में, जो रडार प्रणाली है जिसके थ्रू आप विमान को कंट्रोल करते हो, परावर्तन में, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण में, वायरलेस कम्युनिकेशन है आपका, वाईफाई वगैरह में, वहाँ पर माइक्रोवेव में, जो अवन होता है आपके घर में आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों का
प्रयोग करते हैं। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी लघु तरंगे हैं, लघु रेडियो तरंगे कौन सी हैं या उनका परास क्या है। तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेडियो तरंगों का प्रकाश चूज कर लेते हैं कि 1 × 10⁻⁴ तक, जबकि जो लघु रेडियो तरंगे हैं उनका परास कितना है, 10⁻³ से 1 मीटर तक। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शॉर्ट रेडियो वेव्स पूछा है या फिर रेडियो वेव्स पूछा है, ठीक है। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, तो रेडियो वेव्स का मार्कोनी ने किया है, इसका हम ऑलरेडी परास पढ़ चुके हैं, 1 × 10⁴ तक। टीवी में दोनों ही जैसे आपका इंफ्रारेड भी यूज़ होता है टीवी के जो रिमोट कंट्रोल है उसमें, और माइक्रोवेव्स का भी यूज़ होता है, तो दोनों का यूज़ होता है। इसके अलावा जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो कौन से मंडल में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में समताप मंडल है, आयन मंडल है, तो कौन से मंडल से वो परावर्तित, किस स्फीयर में वो रहती हैं, तो वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। इसके अलावा एक और रेज होती हैं जो कि इस स्पेक्ट्रम से अलग हैं, वो है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज मेनली अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, और ये जो होते हैं बेसिकली आवेशित कण हैं, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्मिक रेज क्या आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हम सोचते हैं कॉस्मिक रेज है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट होगा, बट ये होता नहीं है। ये अंतरिक्ष में पाई जाने वाली किरणें हैं, आवेशित कण हैं, आवेशित हैं, चार्ज होता है इन पर, और स्पेक्ट्रम का ये भाग नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। अब एक चीज़ और जो हमारा ध्यान रखने वाली है वो ये कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन से जो विबग्योर है, जो हमारा 7 कलर्स होते हैं, उसमें किसका लैम्डा ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किसका लैम्डा कम है। तो विबग्योर में जो वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी कलर, उसमें उसका जो लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य, वो मिनिमम होता है, और रेड का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये बोला था कि इंफ्रारेड का जो प्रकीर्णन है वो रेड कलर से भी कम है, इसी वजह से उसको धुंध में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रारेड का जो लैम्डा होगा वो रेड कलर से भी ज़्यादा होगा। तो विबग्योर के ऊपर जो स्पेक्ट्रम हुआ वो यूवी हुआ, और जो रेड के नीचे जो स्पेक्ट्रम हुआ वो इंफ्रारेड हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप ये, हाँ, इसको याद रखने का आप तरीका आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूजिंग हम लोग बहुत होते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो कि गैप बेअसर है, मतलब गैप मतलब गामा, ये स्पेक्ट्रम का यही क्रम है, गैप जी फॉर मतलब गामा, गैप ए मतलब एक्स, एक्स से आप ये जो एक्स रेज है एक्स, गैप पी मतलब पराबैंगनी, वे असर है मतलब वे मतलब विजिबल लाइट, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश, तो चौथे नंबर पर आ गया आपका दृश्य प्रकाश। असर आ मतलब अवरक्त इंफ्रारेड, सा मतलब सूक्ष्म, और रा मतलब रेडियो वेव्स। तो आप ऐसे करके इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खोज परास, इसका क्या रेंज है, किसकी ऊर्जा मैक्सिमम है, किसकी नहीं है। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस आज कवर कर लिए हैं, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको सारे ही लेक्चर्स हमारे पसंद आए हैं तो कृपया करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए।